लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो सकती है। वीर सावरकर के अवमानना के मामले में कोर्ट की ओर से सख्त चेतावनी राहुल गांधी को दी गई है। राहुल गांधी जी का रवैया देख के 3 तारीख को वो आने में असफल रहे, या तो जानबूझकर या तो फिर कारण उन्हीं को पता है, तो इसीलिए उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट निकाला जाए। ड्यूरिंग वीर सावरकर जी वॉज अलाइव कांग्रेस अटैक कंटिन्यूअसली इवन आफ्टर हिज डेथ एंड हिज पार्टी इज नॉट इन प्रेजेंस इन निग्लिजिबल प्रेजेंस कांग्रेस इज कंटिन्यूइंग टू अटैक हिम। न्यायालय की अवमानना वो भी अर्जी हमने मेहरबान न्यायालय में दी है। वी हैव टेकन दिस वेरी सीरियसली। एंटायर सावरकर फॉलोअर्स आर विथ अस। अगला तारीख जो है वो 10 जनवरी मुकर्रर किया है, अगर उसमें वो नहीं आते तो उनको मेहरबान न्यायालय सख्त कार्रवाई करके कोर्ट के जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आई एम प्लीडिंग टू ऑनरेबल कोर्ट दैट नॉन बेलेबल वारंट शैल बी इश्यूड टू हिम ऑन द नेक्स्ट डेट इफ ही फेल्स टू अपियर ऑन नवंबर 2024 नवंबर 18th ऑनरेबल कोर्ट हैज पास्ड अ समन दैट राहुल गांधी शुड बी प्रेजेंट ऑन टूडेज डेट 2nd of December बट ड्यू टू द विंटर सेशंस ही वॉज नॉट एबल टू अपियर बिफोर द कोर्ट। Now, the thing is that this defamation was filed in April last year, and in March 2023, Rahul Gandhi defamed Swatantra Veer Savarkar, saying things which didn't happen in his life. So, during Veer Savarkarji was alive, Congress attacked continuously, even after his death, and his party is not in presence, in negligible presence. Congress is continuing to attack him. So we have taken this very seriously. Entire Savarkar followers are with us. And the thing is that Rahul Gandhi is roaming around in every corner of the country. He was in Maharashtra last month. He was in Jharkhand. Wherever he goes, he along with all the Congress leaders take the copy of constitution and talk about constitution, but in reality if you see that they are not honoring the law. Being a good citizen, everyone should be following the law that is least expected and which is not being followed by Rahul Gandhi. He is leader of opposition, he is responsible citizen. So my take on is that I am again, I am pleading to Honorable Court that a non-bailable warrant shall be issued to him on the next date if he fails to appear. पिछले तारीख 18-11 उस दिन भी जब कोर्ट की पेशी थी उस वक्त राहुल गांधी या तो उनके तरफ से कोई भी वकील कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, तो इसलिए आज न्यायालय ने आज की डेट मुकर्रर की थी लेकिन आज भी वो आने में असफल रहे। कारण ये बताया गया कि सत्र चालू है संसद का, इसलिए वो नहीं आ पाए, तो आज उनकी तरफ से उनके एडवोकेट आज प्रेजेंट हुए। लेकिन आज हमने मेहरबान न्यायालय से ये अर्जी की है कि राहुल गांधी जी का रवैया देख के 3 तारीख को वो आने में असफल रहे, या तो जानबूझकर या तो फिर कारण उन्हीं को पता है, तो इसलिए उनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट निकाला जाए। दूसरा अर्जी जो दी है आईपीसी 174 उसके तहत अगर मेहरबान न्यायालय का समन्स प्राप्त होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो उसको न्यायालय की तरफ से अटक करके लाया जाता है। उसके बाद एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, वो भी अर्जी हमने मेहरबान न्यायालय में दी है। तो अभी अगला तारीख जो है वो 10 जनवरी मुकर्रर किया है, अगर उसमें वो नहीं आते तो उनको मेहरबान न्यायालय सख्त कार्रवाई करके कोर्ट के जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक थोड़े में बैकग्राउंड क्या है पूरे मामले का वो बता दीजिए। जी, वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर, उनके जहन में एक बात आई कि राहुल गांधी ने इंग्लैंड में उनके किसी भाषण के दरमियान वीर सावरकर के खिलाफ कोई बयान किया है जो पूरा झूठा है, बेबुनियाद है। उसके लिए फिर हमने पुणे के अक्षय जैन न्यायालय में पहले अर्जी दाखिल की, फिर
फिर वहां पे सुनवाई होने के बाद न्यायालय को प्रथमतः ये समझ में आया कि इसमें केस बनता है, तो फिर राहुल गांधी के खिलाफ इश्यू प्रोसेस किया गया, जैसा उनको समन किया, तलब किया गया। लेकिन अभी राहुल गांधी जी, जब हमने केस दाखिल किया था उस वक्त वो कोई नहीं थे, मतलब उनकी उनके खिलाफ एक मुकदमा चल चुका था, उसमें वो दोष सिद्ध थे, इसीलिए उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप है वो खारिज हुआ था, तो इसीलिए हमने वो कोर्ट में वो दाखिल किया। फिर अभी जब पूरा कोर्ट ने उनकी पार्श्वभूमि देखने के बाद ये एक स्पेशल न्यायालय में ये केस दायर हो चुका है, MPMLA न्यायालय है वो, खास जो लोग जैसे आमदार है, खासदार है, विधानसभा, विधान परिषद या तो फिर संसद में, उनके खिलाफ चलने वाले पूरे केसेस ये कोर्ट में चलने वाले। तो अभी उसकी पेशी थी, लेकिन वो तीन तारीख तक वो आने में असफल रहे। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।